रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लगभग 2 साल का समय होने वाला है, लेकिन ये जंग किसी अंजाम तक पहुंचने की बजाय और पेचीदा होती जा रही है। इस जंग में जहां यूक्रेन को नाटो देशों से हथियार, गोला बारूद मिल रहा है, जिसकी बदौलत यूक्रेन जंग में टिका हुआ है और मजबूती के साथ रूस का सामना कर रहा है। यूक्रेन को जितना ही बाहरी मदद मिल रही है, पुतिन भी इससे अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने में लगे हैं और साथ ही दूसरे देशों के साथ अपने संबंध भी मजबूत कर रहे हैं। इस सब के बीच बेलारूस के राष्ट्रपति ने जंग को लेकर बड़ा दावा किया है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाया है। लुकाशेंको ने अपने एक बयान में कहा कि यूक्रेन को हथियार देकर अमेरिका रूस को परमाणु हथियारों का उपयोग करने के लिए उकसा रहा है। अमेरिका रूस को भयानक हथियार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहा है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने अपनी बात का तर्क देते हुए बताया कि जिस तरह अमेरिका यूक्रेन को हथियार, खतरनाक लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलें, हथियारों से लैस घातक ड्रोन देकर जंग में समर्थन कर रहा है, उससे रूस भी कोई बड़ा कदम उठाने में पीछे नहीं हटेगा। लुकाशेंको ने कहा, यूक्रेन ऐसी कोई भी मिसाइल से रूसी क्षेत्र पर हमला करता है तो दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनेगी और बदले में रूस को ये खतरनाक कदम उठाना पड़ जाएगा। अमेरिका पर टिप्पणी करते हुए लुकाशेंको ने यह भी कहा कि सर्वे के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हारने वाले हैं और यूक्रेन को जंग में रूस के खिलाफ जीत के लिए समर्थन देकर वो अपनी पकड़ को मजबूत दिखाना चाहते हैं और यही कारण है कि अमेरिका यूक्रेन को युद्ध में तेजी से हमला करने के लिए समर्थन दे रहा है। ऐसे में बाइडेन यूक्रेन की जीत का उपयोग इस तरह से कर सकते हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको का ये बयान तब सामने आया है जब पुतिन ने हाल ही में परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि पर बयान दिया था। रूसी राष्ट्रपति ने अपने बयान में कहा था कि परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने वाले संधि के अनुसमर्थन को रद्द करना संभव है। इन सभी बयानबाजी और दावों से एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में ये जंग भयंकर तबाही का कारण बन सकती है।